हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। हैवान बहू की करतूत जानकर कांप जाएंगे आप, 80 रुपए के लिए सास और ससुर पर डाला खौलता पानी। है ना, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली ये अपडेट। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस वक्त उन बुजुर्गों का क्या हाल है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काफी बार ऐसे मामले आते रहते हैं जहां पर बुजुर्ग लोगों को बहुत ही ज्यादा पीड़ित किया जाता है। अभी तो ये 80 रुपए का मामला है जहां पर कोई गुस्सा ना भी आए और वहां पर उन्होंने सही बात भी बताई, पर बहू को इतना गुस्सा आया कि उसने हवानियत की भी हद पार कर दी। तो ये जो पूरा मामला हमारे सामने बिहार के बेगूसराय से आ रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति अपनी बहू और पोते के साथ घर में रहते हैं और वो बुजुर्ग दंपति का नाम है रेखा देवी और गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा के जो पुत्र हैं वो एक्चुअली में फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं और वो वहीं से खर्चा वगैरह भेजते हैं, और उनकी बहू जो है वो अपना पूरा घर का खर्च जो है उसी से चलाती है और अपने सास ससुर की देखभाल कर रही थी। पर सास ससुर की वो देखभाल नहीं करे तो ही अच्छा है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस बहू ने 1000 रुपए अपने सास ससुर को दिए कि वो अपने पोते के जो बुक्स है वो लेके आ जाए बाजार से, और 1000 रुपए लेके वो बाजार से वो बुक्स लेने के लिए चले गए। और जैसे ही वो घर पे आए उन्होंने वो बुक्स जो है अपने पोते को पकड़ा दी और उसमें से बचे हुए 80 रुपए भी अपने पोते को दे दिए, क्योंकि उस वक्त बहू वहां पर मौजूद नहीं थी। जैसे ही बहू घर पे आई और उस दौरान ही जो बुजुर्ग दंपति है उनसे पूछा कि हिसाब लिया, हिसाब लेने के बाद बोला कि 80 रुपए कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि 80 रुपए जो है हमने पोते को दे दिए है। जिसके कारण इतनी बात सुनते ही बहू को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि पहले तो वो दोनों के साथ मारपीट करने लग गई। वो इतना ज्यादा मारा उसने कि वो घायल हो गए और उसके बाद उसका जी नहीं भरा। चावल चढ़ाए हुए थे जिसे पानी के खोलते हुए पानी का बर्तन उठाया और दोनों दंपति के ऊपर डाल दिया। उस वक्त एक्चुअली में रेखा देवी के ऊपर ज्यादा पानी गिरा और रेखा देवी को जो कि गोपाल शर्मा जी उनके पति जी वो बचाने में ही वहां पर झुलस गए। इस दौरान ही जैसे ही दंपति की आवाज सुनी पड़ोसियों ने, तो पड़ोसी भी घर के अंदर एंट्री कर चुके थे, तो पड़ोसियों को उस बहू ने डराया कि तुम यहां से भाग जाओ, कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये दोनों लोग जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। पर पड़ोसियों ने एकजुट होके वहां पर बहू को साइड में हटाया और दोनों बुजुर्गों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया। अभी बताया जा रहा है कि जिला हॉस्पिटल वो पहुंचे हैं और डॉक्टर कमलेश जी जो है उनका कहना ये है कि राखी जो कि रेखा देवी है उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है, और जो पूरे जो पड़ोसी है उनका कहना ये है कि हम रिपोर्ट दर्ज करवा के बहू को सलाखों के अंदर डालेंगे, क्योंकि उन्होंने इस दंपति के साथ, बुजुर्ग दंपति के साथ ऐसी हालत की है। तो पड़ोसियों का जो कहना है, क्या आप लोगों को लगता है कि अगर आप भी वहां पर होते तो ऐसे ही सब चीजें करते जो कि इन पड़ोसियों ने की है, हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।